आज मैं आपको बताऊंगा कि गांव में गन्ने से गुड़ कैसा बनाया जाता है। अभी तक आप जानते होंगे कि ये सब एक फैक्ट्री से होता है, लेकिन एक छोटे स्तर में हम बताएंगे कि कैसे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। इन गन्नों को खेत से काटकर अब इकट्ठा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गन्ने यहाँ पर कटे हुए रखे हैं। फिर अगली प्रोसेस ये होती है, इन गन्नों को इस मशीन में डाला जाता है। फिर ये रस निकलता है, फिर उस रस को इस बड़ी सी कढ़ाई में डालते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भट्टी है जिसमें कि रस खोलेगा और गाढ़ा होता जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको। पी रहे हैं। ये गुड़ अपने मध्यम चरण में पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं, ये आधे से ज़्यादा खोल चुका है। पट्टी का ताप बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्हें इसी के अवशेष द्वारा जलाया जाता है। ये गन्ने के ही छिलके हैं। और अंदर करने पे और अंदर कर आप देख सकते हैं, बहुत तेज आग है इसके अंदर। भट्टी में अलावा कम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, गुड़ अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये चलाना ज़रा खुरो, ये देखिए गुड़ अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इसे ऐसा ऐसा हिलाने पर ये बैठता नहीं है कढ़ाई के नीचे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। चलाओ जी ज़रा, ये देख सकते हैं आप अपने अंतिम चरण पर गुड़ बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। हाँ, फिर से वैसे उठाओ, वैसे उठाओ। हाँ, वैसे उठा रहे हैं। हाँ, ये चीज ये देखिए, जूम कर जूम कर। ये पूरी प्रोसेस विस्तार में आपको दिखाया जा रहा है। ये गन्ने का रस गांव के लिए, हम शहर जाते हैं वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है, गांव में हम ऐसे पी सकते हैं इसे। आप देखेंगे अब ये गुड़ बस अपना आकार लेने वाला है। पर ये नहीं है कहकर, पर ये नहीं है बोलो चौड़ो वाले आइयो। बस भगवान।